एलियंस, एलियंस कहाँ रहते हैं, एलियंस सच में होते हैं या फिर नहीं होते, इन सब बातों पर हमेशा से एक विवाद रहा है। ऐसे में अमेरिका के एक पूर्व एयरफोर्स अधिकारी रॉबर्ट सलास का एक चौंका देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि कैसे न्यूक्लियर हथियारों तक पहुंच गए थे एलियंस, जिसकी वजह से छिड़ सकता था थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सवाल यह है कि क्या रॉबर्ट की यह बात सच है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक। रॉबर्ट सलास ने बताया कि 24 मार्च 1967 में जब वो मोंटाना के मॉलस्ट्रॉम एयर फोर्स बेस पर अंडरग्राउंड लॉन्च कंट्रोल फैसिलिटी के ऑन ड्यूटी कमांडर थे, उस वक्त उनके कंट्रोल में मौजूद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। सलास ने यह भी दावा किया था कि उससे 8 दिन पहले यानी 16 मार्च 1967 को भी ऐसा ही हुआ था और एक दूसरी मिसाइल लॉन्च कंट्रोल फैसिलिटी की मिसाइल्स ने काम करना बंद कर दिया था। इस घटना के बाद से सभी मिलिट्री कर्मियों ने मान लिया था कि ये काम एलियंस का ही है। एलियंस ने हथियारों से छेड़छाड़ किया और न्यूक्लियर हथियारों को बंद कर कुछ मिसाइल्स को चालू कर दिया। उनका दावा है कि इससे एलियंस तीसरा विश्व युद्ध करवा सकते हैं। अब सलास समेत 4 अमेरिकी एयरफोर्स अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है, जिसमें वो एलियन से जुड़े पूरे प्रकरण का खुलासा करेंगे और अमेरिकी सरकार के कुछ खुफिया दस्तावेजों को भी मीडिया के सामने पेश करेंगे। इसके जरिए वो अमेरिकी संसद का ध्यान इस पूरे मामले की ओर खींचना चाहते हैं, जिससे कि वो एलियंस द्वारा हथियारों से छेड़खानी करने के मामले को गंभीरता से लें और इसकी जांच करवाएं। 19 अक्टूबर को वाशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। इस पूरे प्रकरण से कुछ दिन पहले ही जेसन सुरेसी नाम के एक शख्स ने अमेरिकी एयरफोर्स के ऊपर मंडराते एक अजीबोगरीब चीज को देखा था। उसने ये रिकॉर्ड भी किया, उसने ये भी दावा किया था कि वो एक UFO है, क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाए गए किसी यान जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। इससे पहले dailymail.com को खोजी फिल्म मेकर जर्मी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस वीडियो में US नेवी की रडार में एक साथ 14 UFO को कैप्चर किया गया था। फिल्म निर्माता जर्मी ने ये फोटोज जारी किया था, जिसमें समुद्र के ऊपर हवा में एक गोलाकार वस्तु दिखाई दी थी, जिसे UFO कहा जा रहा है। ऐसी ही रहस्यमयी वस्तु जुलाई 2019 में ओमाहा में अमेरिकी नौसेना के नाविकों द्वारा देखी गई थी। इसके बाद कोरबेल ने गुरुवार को इसी घटना का एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो क्लिप में ओमाहा पर नौसैनिकों द्वारा देखे जा रहे सैन्य रडार को दिखाया गया है। खैर, अब देखना यह होगा कि रॉबर्ट सलास के इस दावे पर अमेरिका का क्या रुख होगा और अगर ये सच निकला तो दुनिया इस एलियंस को लेकर क्या कोई रणनीति अपनाएगी।